ओके दैन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। फाइनली सीए इंटरमीडिएट का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर हो गया है। एंड चलो आओ, शुभकाम में देरी किस बात की, तो फटाफट उसको रिव्यू कर लेते हैं। हाउ वॉज योर पेपर, डू टेल इट टू मी इन द कमेंट्स। मेरा थॉट प्रोसेस क्या है पेपर को लेके, बस मैं आने वाले 5 मिनट में वही चीज डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहली चीज मैंने लिखी है दैट पेपर वॉज एवरेज एंड लेंदी। मैं ये नहीं बोलूंगा कि पेपर इजी एंड लेंदी था। अगर एज अ स्टूडेंट मैं सोचूं तो पेपर एवरेज एंड लेंदी था, बिकॉज यस, फ्यू क्वेश्चंस वर वेरी इजी, फ्यू क्वेश्चंस वर अ बिट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज देयर इन द मॉड्यूल। मतलब एज इट इज मॉड्यूल का क्वेश्चन उठा के नहीं डाला है। मैं कब बोलूंगा इजी पेपर एज अ स्टूडेंट के, यार एज इट इज क्वेश्चन मॉड्यूल का क्वेश्चन है, पिकअप करके इंस्टीट्यूट ने डाल दिया, तो वैसा नहीं था। एंड थोड़ा ऑन द लेंदियर साइड था, जिस हिसाब से मेरा काफी सारे स्टूडेंट से कम्युनिकेट हुआ है। सो लेट्स बी फेयर, तो आपका एवरेज एंड लेंदी पेपर है ये। सो आपका डिसेंट मार्क्स का अटेम्प्ट हुआ है एंड ओके ओके पेपर गया है। सो बी हैप्पी, बिकॉज दैट्स हाउ द ओवरऑल ट्रेंड इज। अगर मैं यहाँ पे एक जनरल बेसिस पे क्लासिफाई करता हूँ कि क्या क्या पेपर में पूछा था, तो उस हिसाब से मैंने ये जो पूरा पेपर है उसको एनालिसिस किया है। एंड ये एनालिसिस के बेसिस पे मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिया है कि कौन से चैप्टर में से कितना मार्क्स आया है। इफ यू वांट टू डाउनलोड दैट पेपर एंड अगर आपको ये मेरा एनालिसिस चाहिए, देन इन दैट केस आप मेरे टेलीग्राम चैनल सीए इंटर बाय संकल्प कांस्टिया से डाउनलोड कर सकते हो। इट विल बी वेरी यूजफुल टू यू। अब देखते हैं पेपर कैसा था। सो पेपर में ओवरऑल जॉब कॉस्ट शीट वाला फर्स्ट फर्स्ट दो जो क्वेश्चन थे ना, मतलब ऐसा मेरे को लगा नहीं कि कोई स्पेसिफिक चैप्टर रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब जनरल क्वेश्चन थे। अगर आपको एक मार्जिनल कॉस्टिंग का, कॉस्ट शीट का, जॉब कॉस्टिंग का आइडिया है, देन इन दैट केस यू विल बी एबल टू सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा एबीसी का, थोड़ा ओवरहेड्स का अगर आपके पास नॉलेज है, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। क्वेश्चन 1C वेरी इजी मटीरियल का, क्वेश्चन 1D मार्जिनल से रिलेटेड था। फिर ओवरहेड्स, लेबर, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट। सो क्वेश्चन 2, 3, 4 एकदम टिपिकल क्वेश्चन, ठीक है। सो ये पेपर को, ये 2, 3, 4 पेपर को इजी बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1A 1B इजी थे, बट ये थोड़ा बहुत एवरेज बनाते हैं बिकॉज यू हैड टू स्पेंड सम टाइम सॉल्विंग इट। क्वेश्चन 5A B C वॉज ऑल्सो वेरी मच मैनेजेबल एंड 6A से D आपका एज इट इज हार्ड कोर थ्योरी था। सो एक टिपिकल पेपर, यूजुअली ICAI क्या करता है पता है क्या, बीच बीच में थ्योरी क्वेश्चन डालता है। जैसे 5C थ्योरी क्वेश्चन डाल दिया, जैसे 5 3B या 3C थ्योरी क्वेश्चन डाल दिया, बट उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। पूरा का पूरा पेपर प्रैक्टिकल रखा है। जिसको भी थ्योरी अटेम्प्ट नहीं करना है क्वेश्चन नंबर 6, वो फुल 1 to 5 अटेम्प्ट करके अपना 100 मार्क्स अटेम्प्ट करके बाहर निकल सकता है। एंड जिसको थियोरी भी अटेम्प्ट करना है तो उसके लिए भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन थे। चैप्टर 1 का था एक क्वेश्चन, बजट का था एक क्वेश्चन। सो ओवरऑल एवरेज ओके ओके पेपर, जस्ट बिकॉज 1 2 क्वेश्चंस वर अ बिट ऑन अ लेंथियर साइड, थोड़ा आपको स्पीड स्टार्टिंग से ही अच्छा रखना पड़ेगा। आई एम श्योर आप लोग का अच्छा पेपर गया होगा। काफी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज करके बोला है दैट यस, फ्यू आर एक्सपेक्टिंग एग्जाम्पशन, फ्यू 80+, फ्यू 90+। लेट्स सी क्या होता है। आप लोग भी बताना आप लोग का ओवरऑल पेपर कैसा रहा। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट पेपर्स, एंड बहुत जल्द आपको वेलकम करेंगे सीए फाइनल में। टेक केयर, हास्ता ला विस्ता, कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच। और हाँ, कुछ स्टूडेंट्स का जनरल क्वेश्चन रहता है कि सर अगर हमने खाली ऑप्टिमाइज्ड या मैजिक बुक की होती तो चलता। 101% यस। सो ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस ऑप्टिमाइज्ड से ही थे, यू कैन से दैट सेम क्वेश्चंस कुछ एंड कुछ ऑन सिमिलर कॉन्सेप्ट्स। तो एज यूजुअल जैसा मैं कहता हूं कि भाई कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, ऑप्टिमाइज के जितने भी सम्स है बराबर से कर लो, रिवीजन के लिए मैजिक वाले कर लो, यू विल बी थ्रू। रिवीजन लेक्चर से भी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, यू विल बी एबल टू सॉल्व अ मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस, आई एम श्योर। डन, थैंक यू।